हेलो एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल इंग्लिश मंत्र विद बी एम सर। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू आर प्रोग्रेसिंग इन द फील्ड ऑफ स्पोकन इंग्लिश। गाइज, द वे विच आई हैव टोल्ड यू आर जस्ट एक्सेप्टिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रैक्टिसिंग अकॉर्डिंगली, दिस इज़ वेरी गुड थिंग। साथियों, ये बहुत अच्छी बात है, आप अभ्यास कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, दैट स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। इट मीन्स आपको बोलना सीखना है तो बोलना ही होगा। एंड यू हैव टू स्पीक ईच वर्ड, ईच फ्रेज, ईच सेंटेंस, वॉट एवर, यू हैव टू स्पीक दैट अगेन एंड अगेन, मेनी टाइम्स आपको बोलना होगा उसको, तो आप निश्चित रूप से बोलना सीख जाएंगे। कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कशन करी थी, जैसे मैंने आते ही आपसे क्वेश्चन किया था, आप कैसे हो, तो क्वेश्चन था अपना हाउ आर यू, इसका रिप्लाई करना आपने सीख लिया है, और यू रिप्लाइड आई एम फाइन, ये आपने जवाब दिया था, आई एम फाइन कह करके हम निकल जाते हैं यहाँ से। हाउ आर यू का रिप्लाई आई एम फाइन करके आप निकल गए थे। लेकिन मान लीजिए आप मुझसे पूछते हैं हाउ आर यू, तो मेरी आपसे बातचीत करने की ज़्यादा इच्छा है, तो मैं आई एम फाइन के अलावा और भी चीज़ें आपसे बोलूँगा, तो मैं कहूँगा कि मैं तो बढ़िया हूँ, आई एम फाइन, पूछने के लिए धन्यवाद, थैंक्स कहूँगा, और आप सुनाओ आप कैसे हो। यस, तो मैं यहाँ पर थैंक्स और जोड़ूँगा, एंड यू इसका मतलब आप कैसे हो। आप मुझसे क्वेश्चन करते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू, तो माई रिप्लाई इज आई एम फाइन थैंक्स एंड यू, ये रिप्लाई करूँगा मैं, या फिर आई एम फाइन थैंक यू कह सकते हैं, आई एम फाइन थैंक्स एंड यू, मैं अच्छा हूँ, थैंक्स, धन्यवाद आपको पूछने के लिए, एंड यू और आप बताओ कैसे हो। देन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू आंसर मी आई एम ऑल्सो फाइन, आप कहेंगे आई एम ऑल्सो फाइन, आई एम ऑल्सो नाइस, इस तरह से आप रिस्पॉन्स देंगे ऑल्सो लगा करके, या मी टू फाइन, इस तरह से अपना रिस्पॉन्स आप इसमें जोड़कर आगे बढ़ेंगे। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो एक साथ जब हम दूसरों को सलाह देते हैं, खुद को इंक्लूड करते हुए, आसपास के लोगों को इंक्लूड करते हुए कि चलो चलते हैं, ऐसे जब हम एडवाइस करते हैं, दैट टाइम वी हैव अ स्ट्रक्चर लेट्स, ये हमें यूज़ करना है। लेट्स का मतलब लेट अस ही है, लेट्स आफ्टर लेट्स आपको एक्शन लगाना है। जैसे हमें कहना हो कि चलो चलते हैं, तो लेट्स तो लगाना ही है, आफ्टर दैट एक्शन हो जाएगा गो, यहाँ एक्शन बदलते जाएंगे आप, तो एक्शन हमारा होगा गो, पूरा स्ट्रक्चर बनेगा लेट्स गो, चलो चलते हैं, एक टुगेदर एक साथ सलाह दी जाती है सभी को कि चलो हम चलते हैं, तो लेट्स गो, चलो पार्टी चलते हैं, तो इसमें आप आगे बढ़ा सकते हैं, लेट्स गो टू पार्टी, आर साइलेंट है पार्टी का। यस, सेंटेंस बना लेट्स गो टू पार्टी, अब इसको आप बोल कर प्रैक्टिस करो मेरे साथ में, लेट्स गो टू पार्टी, लेट्स गो टू पार्टी, लेट्स गो टू पार्टी, लेट्स गो टू पार्टी। अब आपको कहीं जाना है, मान लो बाजार जाना है, तो यहाँ पार्टी को रिप्लेस कर दो और मेरे साथ बोलो लेट्स गो टू मार्केट, लेट्स गो टू मार्केट। कॉलेज जाना है तो लेट्स गो टू कॉलेज, लेट्स गो टू कॉलेज, लेट्स गो टू कॉलेज। मंदिर जाना है लेट्स गो टू टेम्पल, लेट्स गो टू टेम्पल। स्कूल जाना है तो लेट्स गो टू स्कूल, ये करेंगे, कहते हैं चलो चलो आओ, चलो चलो आ जाओ, तो लेट्स कम, एक साथ आ जाओ तो हम कहेंगे लेट्स कम टुगेदर। सेंटेंस बोल कर देखो जरा, लेट्स कम टुगेदर, चलो एक साथ आओ, लेट्स कम टुगेदर, लेट्स कम टुगेदर, लेट्स कम टुगेदर, चलो चलते हैं, तो लेट्स गो, लेट्स गो। ये लेट्स जो है दैट इज द एब्रीविएशन ऑफ लेट अस, लेट अस का ही फॉर्म है ये, लेकिन अगर हम यूँ लिख देते हैं लेट अस गो, तो ये इट गिव्स अ डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट सेंस। लेट अस गो का मतलब होता है हमें जाने दो, इट मीन्स यू गिव अस परमिशन टू गो, आप हमें परमिशन दो जिससे कि हम जाएं, तो हमें जाने दो, लेट अस गो, और लेट्स गो मीन्स चलो चलो चलते हैं, हम सब एक साथ चलते हैं, यानी कोई और नहीं बचेगा यहाँ, लेट्स गो, चलो चलते हैं, लेट अस गो, लेट अस जो है वो लेट्स, लेट अस से ही लेट्स बना है, लेट अस को ही चिपका दिया है पास में, हमने कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म बना दी है, लेट्स बना है बट डिफरेंट मीनिंग दे रहा है, तो वो उसके हिसाब से हमें ध्यान रखना है, कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म ही यूज़ करनी बात करते समय। चलो तो चलो खेलते हैं, तो यहाँ एक्शन बदलेंगे हम बिल्कुल, खेलते हैं, चलो चलो खेलते हैं, तो एक्शन क्या होगा, पूरा स्ट्रक्चर लेट्स प्ले, बोलो मेरे साथ में लेट्स प्ले, चलो हॉकी खेलते हैं लेट्स प्ले हॉकी, चलो क्रिकेट खेलते हैं लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो कबड्डी खेलते हैं लेट्स प्ले कबड्डी, चलो गिल्ली डंडा खेलते हैं लेट्स प्ले टिप एंड कैट,
इस तरह से हम लेट्स के साथ में नए एक्शंस यूज़ करेंगे। और क्या एक्शंस यूज़ कर सकते हैं, कोई गरीब आदमी बैठा है या असहाय बैठा है तो हम कहें चलो यार उसकी मदद करते हैं, तो लेट्स हेल्प एक्शन यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, हेल्प हिम। कोई आदमी बैठा है तो लेट्स हेल्प हिम आ जाएगा या ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म। या अगर कोई लड़की बैठी लेट्स गेट हर आ जाएगा हिम के बजाय हर, लेट्स गेट हिम या लेट्स गेट हर अकॉर्डिंग सिचुएशन। एक से अधिक लोग बैठे हैं तो हम कहते हैं लेट्स हेल्प देम, लेट्स हेल्प देम यूज करेंगे उस केस में यहाँ। तो इन चीज़ों को आप फिलहाल कुछ एक्शंस आपको लिखने हैं, जैसे हाउ आर यू आई एम फाइन ये वाला स्ट्रक्चर आप लिख लीजिए, एंड यू आई एम ऑल्सो फाइन, यहाँ तक एक स्ट्रक्चर बनेगा लेट्स एक्शन इसे आप लिखेंगे। इसके साथ में आप एक्शंस यूज करेंगे, जैसे वन है गो टू पार्टी, कम टुगेदर एक साथ आना, हेल्प हिम या हेल्प हर, लेट अस गो का मीनिंग लिखेंगे आप हमें जाने दो, और लेट्स गो का चलो चलो चलते हैं ये अर्थ लिखना है। इन्हें आप अभी देख करके कॉपी कर लीजिए, और साथ में आपको कुछ मीनिंग्स का और ध्यान रखना है, कुछ वोकैबुलरी, जैसे कमिट मिस्टेक मीन्स गलती करना, कमिट मिस्टेक गलती करना। जैसे एग्जांपल बनाते हैं, मुझसे गलती हो गई है, इसे हम बोलेंगे आई हैव, काम खत्म हो गया है तो आई के साथ हैव आएगा, आई हैव कमिट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी कमिटेड मिस्टेक। सेंटेंस बना आई हैव कमिटेड मिस्टेक, मुझसे गलती हो गई तो सेंटेंस बना आई हैव कमिटेड मिस्टेक। आपको सेंटेंस बनाने हैं, ये पिछला स्ट्रक्चर है हमारा, पिछले स्ट्रक्चर को जानने के लिए आप पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं स्पोकन इंग्लिश का, इस वीडियो के नीचे जो लिंक है उसमें प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट में आप स्पोकन इंग्लिश खोल करके सारे वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। तो आई हैव कमिटेड मिस्टेक ये सेंटेंस बनेगा, और वह मुझे सलाह दे रहा है ये सेंटेंस आपको बनाना हो तो सलाह देने के लिए एक्शन एडवाइज यूज करेंगे, तब सेंटेंस बनेगा। कंटिन्यू है तो ही इज एडवाइजिंग मी, ई हटाकर आई एन जी लगाएंगे, ही इज एडवाइजिंग मी। ओके, तो मैंने आपको कोई महत्वपूर्ण बात बताई, इसके बाद मैं कहूँगा कि इस बात की गांठ बांध के रख लो, मैंने आपको कोई नियम बताया है कि उस नियम को फॉलो करना है तो इस बात की गांठ बांध के रख लो, इस बात की अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लो कि इसको फॉलो करना ही करना है। तो हम सेंटेंस बोलते हैं मेक ए पॉइंट ऑफ इट, इस सेंटेंस को बोलने की आप प्रैक्टिस कर लीजिए 3-4 बार, तो ये बहुत ही अच्छा फ्रेज है, मेरे साथ बोलें मेक अ पॉइंट ऑफ इट, इस बात की गांठ बांध के रख लो तो होगा मेक अ पॉइंट ऑफ इट, मेक अ पॉइंट ऑफ इट, मेक अ पॉइंट ऑफ इट। ओके, और यहाँ हमारी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चल रही हैं तो इन क्लासेस का आपको पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ का आपको पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, तब आपको फ्रेज बोलना है मेक द मोस्ट ऑफ इट, इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, तो आपको क्या बोलना है बोलो मेरे साथ, मेक द मोस्ट ऑफ इट, इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाओ, बोलो इंग्लिश बोला करो आप, मेक द मोस्ट ऑफ इट, मेक द मोस्ट ऑफ इट, मेक द मोस्ट ऑफ इट। और आपको कहना है कि इस बात की गांठ बांध के रख लो, यानी ध्यान रखना है इस बात को, तो कहेंगे मेक अ पॉइंट ऑफ इट, मेक अ पॉइंट ऑफ इट, और इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाओ, मेक द मोस्ट ऑफ इट, मेक द मोस्ट ऑफ इट। ओके, हम कभी दूसरों से कहते हैं कि ए बकवास मत करे, तब हम डोंट का यूज़ करते हैं, ये भी आपने पढ़ लिया है पिछली क्लास में, डोंट के बाद एक्शन आता है, तो डोंट टॉक रबिस, बकवास मत करो, रबिस होता है बकवास या कचरा, टॉक मीन्स का बात करना, तो सेंटेंस आपको बोलना है डोंट टॉक रबिस, बोल के देखो जरा, डोंट टॉक रबिस, डोंट टॉक रबिस, डोंट टॉक रबिस, डोंट टॉक रबिस। ओके, या डोंट टॉक नॉनसेंस, दूसरों से कहते हैं ए बकवास बंद कर, तब हम स्टॉप यूज करेंगे, स्टॉप दिस नॉनसेंस, क्या कहेंगे बोलो, स्टॉप दिस नॉनसेंस, स्टॉप दिस नॉनसेंस, दीज थिंग्स आर वेरी नेसेसरी, और इसीलिए मैं आपको इन चीज़ों को बता रहा हूँ। तो इसीलिए को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एक तो कहते हैं सो, इसीलिए, क्या कहते हैं सो, और क्या कहते हैं इसीलिए को, और कहेंगे दैट्स वाई, दैट्स वाई, इसीलिए तो आपको बोलना है बोलो दैट्स वाई, दैट्स वाई, दैट्स वाई, दैट्स वाई। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास, यहाँ से आप होमवर्क में लेट्स वाला होमवर्क करेंगे, एक्शंस जोड़ेंगे, कुछ और सेंटेंसेस आपको बनाने हैं जो कि आई हैव और एक्शन थर्ड फॉर्म, आई एम, एक्शन आई एन जी को लेकर के या डोंट को लेकर के बनाने हैं, इन दो सेंटेंसेस आपको ये वोकेबलरी यूज़ करनी है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, अपने दोस्तों को भी इस अभियान से जोड़ना, अगर आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें,
वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस एवरीडे एट 8 PM शाम को 8 बजे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा नए वीडियोस का। तो साथियों मस्त रहो, स्वस्थ रहो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।